वाराणसी के बजटडीहा में बज बजाता सीवर दे रहा खतरनाक बीमारियों को दावत। बता दें कि यूं तो पूरे बनारस में सीवर की समस्या से हर मोहल्ला बेहाल है, लेकिन बात करें बजटडीहा की तो यहां का लगभग ज्यादातर मोहल्ले में सीवर की समस्या आम हो गई है देखने को। ये जो तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं ये बजटडीहा के फारूखी नगर की है। इससे पहले भी हमने आपको बरकात नगर की तस्वीरें दिखाई थी, जब जयदेश की न्यूज़ बनने के बाद अब उस गलियों में काम लग गया। लेकिन ऐसे ही कई ऐसे मोहल्ले हैं जिनकी तस्वीर गंदे नाले तैरते हुए दिखाई दे रही है। ये तस्वीर फारूकी नगर की है जहाँ की गलियों में आगमन पूरी तरीके से बाधित है। पार्षद के घर का चक्कर लगाकर लोग थक चुके हैं, नगर निगम ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है। आखिर अब कौन लेगा इन गलियों की सुध? इस बजबजाते सीवर में लोगों का हाल ये है कि स्कूल जाने में, ऑफिस जाने में लोग गिर रहे हैं, बच्चे गिरकर घायल हो जा रहे हैं। बरसात के दिनों में बजबजाते सीवर का पानी लोगों के घरों में जा चुका है, लोगों का रहना दुश्वार हो रहा है, लोगों के घरों में पानी घुस जा रहा है, डायरिया जैसी संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं। सुबह से लेकर शाम तक इस गंदे नाले के पानी से लोगों को होकर गुजरना पड़ता है, जिसकी दुर्गंध इतनी खतरनाक है कि घरों में मेहमान तक आना बंद हो गए हैं। जहां एक तरफ बनारस स्मार्ट सिटी बनने वाला है तो वहीं दूसरी ओर ये नाले का गंदा पानी गलियों में तैरता नजर आ रहा है। वाराणसी से खुशरंग हिना की रिपोर्ट, जयदेश।